Oh, hello everyone, and दिखाई दे रहे हैं ना, थोड़ा हिल गया था मेरे हाथ से. दे रहे हैं. एक मिनट. ओह हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस. और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं. हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसे पढ़ रहे हैं, और इसके हम लोग अभी स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने दूसरा स्टेप जो है उसे देखा था. दूसरा स्टेप क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. फिर उसके बाद एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर. पीसीआर के यूज से हम डीएनए को संख्या में बढ़ा रहे हैं, मतलब डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं. उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम पीसीआर यूज कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. यहाँ तक के हम लोगों ने पढ़ लिया था तीन स्टेप्स. अब चौथा स्टेप जो है उसे पढ़ेंगे हम लोग. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो चौथा स्टेप है वो है आपका लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे देखते हैं. ये आप लोगों का फोर्थ स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का. अब लाइगेशन का मतलब क्या होता है? लाइगेशन का मतलब होता है ग्लू करना, चिपकाना, ठीक है. द प्यूरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट आर कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो डीएनए है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, उसकी बहुत सारी कॉपी भी बना ली है, और जो है आपका अपने पास जो है वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट भी है. वेक्टर मतलब जो क्या है, माध्यम है वो, जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे इस डीएनए को. ये जो हमारा दो ऑर्गेनिज्म का काटा हुआ डीएनए है, ठीक है. अब ये हमारे पास डीएनए जो था वो कट करके रखा हुआ है, सब चीज रेडी है. अब इस डीएनए को जिस माध्यम से हम लोग दूसरे में भेजेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजेंगे, तो वो माध्यम हमको चाहिए, तो वो माध्यम कहलाता है आपका वेक्टर. मतलब वेक्टर ही क्या करेगा, इस डीएनए को ले जाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में पुट करेगा, इंसर्ट करवाएगा, जिससे क्या होगा आगे की प्रोसेस होगी और आप स्टडी कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, ठीक है. जो तो प्यूरिफाइड डीएनए जो है हमारे पास, और जो आपके पास वेक्टर है, वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा. वेक्टर जो रहेगा वो वेक्टर मान लीजिए प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड को भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो काटेगा, या फिर वो नॉर्मली कोई डीएनए ही है तो उसे भी वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा. कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और साथ ही साथ आपके डीएनए को, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने आपके वेक्टर को और आपके डीएनए को दोनों को क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है. अब क्या है, दिस गिव्स अस द कट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड द कट वेक्टर दैट इज नाउ ओपन. अब हमारे पास क्या है, हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए डीएनए भी है और जो वेक्टर है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं, ठीक है, जो कि ओपन है. अब द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग दिस टू पीसेस टूगेदर यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज इज लाइगेशन. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था जिसने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, काटा डीएनए को, डीएनए को काटा. अब इसी ने वेक्टर को भी काटा है, ठीक है, तो वेक्टर और डीएनए को काटा. अब हमको क्या करना है, ये जो वेक्टर है इस डीएनए और इस डीएनए को मिलाना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है, तब तो आगे की प्रोसेस होगी ना. अब जब तक के वेक्टर अपने अंदर इस डीएनए को लेगा नहीं, तब तक वो पहुंचाएगा कैसे, ठीक है. आपको अगर कॉलेज जाना है बस में बैठकर, तो जब तक आप बस में बैठोगे नहीं कॉलेज जाने के लिए, तब तक कैसे पहुंचोगे यहाँ पर. जस्ट लाइक दैट वेक्टर के अंदर डीएनए को बैठाना जरूरी है हम लोगों को,
ज्वाइन करना जरूरी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक एंजाइम यूज किया जाता है जिससे क्या बोला जाता है आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा है। लाइगेज एंजाइम यूज होता है जोड़ने के लिए, ग्लू करता है। जो इसके पास क्या है, एक स्पेशल फेविकोल वाला जो है इसके पास क्वालिटी है जो जोड़ने का काम करता है। तो ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये डीएनए को वेक्टर से जोड़ता है, कंबाइन करता है, और इस प्रोसेस को डीएनए और वेक्टर के जुड़ने की प्रोसेस को लाइगेज एंजाइम से की इसकी सहायता से डीएनए और वेक्टर के जुड़ने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, लाइगेशन। ठीक है। द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो है जैसे ही आपका डीएनए वेक्टर से जुड़ा, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़े में यहां पर एक डीएनए, यहां पर एक डीएनए, यहां पर एक डीएनए, ऐसे कर करके बहुत सारे आपका जो डीएनए है वो जुड़ गया। ठीक है। अब डीएनए जैसे ही आपके वेक्टर से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड डीएनए कहलाता है। अब आप बोलेंगे मैडम हाइब्रिड डीएनए कैसे हुआ, तो हाइब्रिड डीएनए ऐसे हुआ कि ये जो डीएनए है हमारे पास जो हमने कट किया था, ये जो डीएनए है आपके वेक्टर के साथ मिल रहा है, ये वेक्टर भी एक प्रकार का डीएनए ही तो है। एक डीएनए को आप दूसरे डीएनए से मिला तो रहे हैं। अब ये दो डीएनए को मिलाना है तो दो डीएनए को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज किया जिसने क्या किया, डीएनए और वेक्टर को जोड़ने का काम किया। जो जोड़ने की प्रक्रिया है, कंबाइन करने की प्रक्रिया, उसे हम लाइगेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए लाइगेज ने इस प्रोसेस को किया है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम डीएनए लाइगेज है। अब ये दोनों जब जुड़ गए, जुड़ने के बाद जो हम लोगों को कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है अगर जिसमें आपका डीएनए भी जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है हाइब्रिड डीएनए। ठीक है। ये हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा जो आपका वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ डीएनए है, ज्वाइंट डीएनए जो है। द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। वो हाइब्रिड है क्योंकि ये एक डीएनए था, पहला डीएनए ये, दूसरा डीएनए ये दोनों को हमने जोड़ा, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़कर हमने हाइब्रिड डीएनए बना लिया। ठीक है। अब द इंटरेस्ट मॉलिक्यूल एंड द वेक्टर, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। और जब दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो वही प्रोसेस जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन। हम लोगों को यही तो करना था ना, दो अलग अलग डीएनए को लेकर पहले हमको क्या करना था, जोड़ना था। तो ये हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन किया। मैंने एक स्टेप थोड़ा सा आप लोगों को गलत बता दिया था, मैं क्लियर कर रही हूँ। ये जो है हमारा एक डीएनए है, एक ऑर्गेनिज्म से निकाला हुआ डीएनए, ये हमारा वेक्टर जो है वो दूसरा डीएनए है। दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को हमने कट करवाया है। ठीक है। इससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अब दोनों को हम जोड़ेंगे। मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों को, एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या निकालते हैं, उनका डीएनए जो है निकाले, और इन दोनों डीएनए को हम क्या करते हैं, कंबाइन करवाते हैं, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। सेम यही हो रहा है यहाँ पर कि दो, ये वाला एक डीएनए, डीएनए नंबर वन जो वेक्टर है आपका, और ये आपका डीएनए जो इंटरेस्ट का डीएनए। आप जो इंटरेस्ट का डीएनए इसलिए बोला जा रहा है कि आप चाहते हैं कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और नीरज एक पर्सन है, मेरे आप लोग जो नीरज एक वेक्टर का काम कर रहा है और आपको मेरे डीएनए के साथ जो है चेंजेस करवाने हैं। ठीक है। तो आपने मेरा डीएनए लिया लेकिन मेरे डीएनए के साथ कंबाइन एक दूसरा डीएनए भी करना चाहते हैं कि कंबाइन करके रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हो और उसके बाद दोनों के डीएनए को कंबाइन करके हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालें तो क्या चेंजेस होते हैं। तो आपने मेरा डीएनए जो है वो आपका इंटरेस्ट का डीएनए, कि मेरे डीएनए के साथ आप अगर किसी का मैच करते हैं, किसी वेक्टर को मिलाते हैं, किसी वेक्टर डीएनए को, तो क्या उसमें परिवर्तन होगा, एक ये सबसे बड़ी चीज थी। तो वेक्टर यहाँ पर नीरज का डीएनए है, तो नीरज का डीएनए इज अ वेक्टर, और आपके इंटरेस्ट का, आपने चाहे गए वाला डीएनए कौन सा कहलाएगा, मेरा डीएनए जो कि ये वाला डीएनए है। तो वेक्टर आपका वो जो आपका जिस जो एक माध्यम के जैसे यूज किया जाता है, उस माध्यम में आप अपने डीएनए को मिक्स करते हैं। तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हुए। तो ये एक पहला चीज, ये दूसरा चीज, दोनों को कंबाइन करके हमने ये बनाया, ये हाइब्रिड डीएनए कहलाता है।
और इस जब दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो उसे हम रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं और इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे. Hence this new hybrid DNA molecule is also called as recombinant DNA molecule and the technology is referred to as the recombinant DNA technology. और यही process recombination की process करके हमने क्या बनाया, recombinant DNA. ये हमारा क्या है, rDNA है जो नया बना. ठीक है, अभी जो rDNA है यही क्या कहलाता है, recombinant DNA. तो ये जितनी भी पूरी प्रोसेस आपने की इन दोनों डीएनए को जोड़ने के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये प्रोसेस आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है. अब जो है हमारा मेन काम, हमने दो डीएनए को जोड़ तो दिया लेकिन तीसरा स्टेप भी है एक, क्या कि हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये होस्ट है, ठीक है, मेरा और नीरज का डीएनए मिला रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि हम दोनों का डीएनए मिलाकर हम किसी तीसरे पर्सन में ट्रांसफर करें. जस्ट लाइक योगिता के बॉडी में इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप मेरा और नीरज का हाइब्रिड डीएनए को, और आप देखना चाहते हैं कि योगिता की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो यहाँ पर आपने दो डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तो बना लिया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसे हम हाइब्रिड डीएनए भी बोलते हैं क्योंकि दो डीएनए का मिक्सअप है वो. अब इसको, इसी डीएनए को हमको क्या करना है, हमारे होस्ट में इंसर्ट करवाना है ना, जो सबसे बड़ा टास्क है. हमारा जो होस्ट है, होस्ट कौन है, यहाँ पर नाम में योगिता होस्ट है. योगिता के बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, वो होस्ट है हमारी. तो होस्ट के अंदर जो डालकर हम देखेंगे डीएनए को, इंसर्ट करा के देखेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, कि होस्ट की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारा मेन टास्क है. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट के अंदर इंसर्ट कराना बहुत बड़ा कार्य होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है. तो इंसर्शन, अब चौथे स्टेप तक हम लोगों ने लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देखा, जिसमें पूरा कंप्लीट यहां पर खत्म हो गया हमारा दो डीएनए को जोड़ने का काम. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप, वो है आप लोगों का इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. ठीक है, पांचवा स्टेप हम देखेंगे. पांचवा स्टेप है हमारा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए लिख रही हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, आरडीएनए इनटू होस्ट. अब इन दिस स्टेप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ रिसिपिएंट होस्ट सेल, मोस्टली बैक्टीरियल सेल. दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन. अब यूजुअली क्या किया जाता है, आपका जो ये आपने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें आपने दो डीएनए को मिलाकर आपने क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपका आर डीएनए है. अब इस डीएनए को आपको, ये होस्ट है आपका, ठीक है, ये होस्ट जो है आपका, इसके अंदर इसको इंसर्ट करवाना है, एंट्री करवानी है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर. तो होस्ट के, यूजुअली होस्ट के रूप में किस चीज को लिया जाता है, यूजुअली कोशिका, होस्ट का, होस्ट की जो कोशिका रहती है उसके अंदर अगर हम इस डीएनए को इंसर्ट करवा दे तो अल्टीमेटली वो अंदर चले जाएगा. तो सेल के रूप में क्या यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जा रही है तो उसके लिए होस्ट के रूप में हम बैक्टीरियल सेल का यूज करते हैं. ठीक है, बैक्टीरियल सेल का ही यूजुअली यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होस्ट के रूप में, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है ऐसा मानना है साइंटिस्ट लोगों का. तो बैक्टीरियल सेल में हमको इंसर्ट करवाना है किसको, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. ठीक है, अब
ये जो प्रोसेस होती है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट होता है, ठीक है, इसे जाना है, यहाँ इंसर्ट करवाना है हम लोगों को। इंसर्ट मतलब अंदर अंदर डालना है, ठीक है। तो इंसर्ट करवाने की जो प्रोसेस है, इंसर्ट होने की जो प्रोसेस है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल से मिल जाता है, इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप सभी इंपॉर्टेंट चीजों को लिख रहे होंगे। ये होती है क्या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हुई जिसमें आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर जो है क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए इजिली, देयरफॉर दे आर ट्रीटेड टू मेक देम कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट न्यू डीएनए। अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी इंसान आ जाएगा तो आप क्या अंदर आने दे देंगे उसको? नहीं ना। वैसे ही बैक्टीरियल सेल, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ रहा है तो आजा भाई आजा, बैठा के चाय पानी नहीं पिलाएगा उसको, वो क्या देखेगा, किसी को भी एकदम से अंदर घुसने थोड़ी ना दे देगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दूसरा डीएनए है इनफैक्टर, और डीएनए अगर अंदर आ गया तो उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर तो ये जो बैक्टीरियल सेल है वो आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है, वो कोशिश करता है कि वो वही रुक जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका बैक्टीरियल सेल होता है उसे इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है जिससे जो नया डीएनए जो हम उसके अंदर में इंसर्ट करवा रहे हैं वो उसे इंसर्ट होने दे, वो उसको आने दे अंदर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर आने दे, अपने अंदर इंट्रोड्यूस होने दे, उसके लिए हम लोग कुछ कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि एक है थर्मल शॉक। थर्मल शॉक दे सकते हैं आपके बैक्टीरियल सेल को, जिससे जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर आने दे। और इसके अलावा जो है आयन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आयन ट्रीटमेंट जब देते हैं तो उसमें Ca++ इस आयन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और लास्ट है तीसरा जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप लोगों का बैक्टीरियल सेल में हम क्या करते हैं डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं उसे शॉक देकर, या फिर कुछ ऐसा। तो क्योंकि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये आसानी से नहीं आने देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का एकदम शॉर्ट में बता रही हूं मैं। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, ये जो आपके पास एक टम्बलर है, एक जैसे कि फ्लास्क है या फिर पेट्री प्लेट है, उसमें आपने क्या डाल दिया, पूरे अपने होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल को डाल दिया, ये पूरे बैक्टीरियल सेल है, और साथ में आप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी डाल दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराने के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या किया जाता है, इसमें ऐसा लिक्विड भी फिल किया जाता है जिसके अंदर इन सबको डाला जाता है, जिसमें जो कि विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है जिससे जो है आपका जो बैक्टीरियल सेल का जो है वॉल जो है ब्रेक होता है, और ये जो डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये अंदर चले जाते हैं। तो अंदर चले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस होती है, तो जिससे आपका जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवा सके। तो ये एक हुआ आपका इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, कि हम किस प्रकार से हमारे होस्ट के अंदर डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं। एक्चुअल में डीएनए को इंसर्ट करवाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब बैक्टीरिया जो अपना होस्ट रहता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पांचवा स्टेप।
आप लोग का टाइम खत्म हो रहा है, बचा है तो मैं अभी पांचवे स्टेप तक ही बता रही हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को पांचवे स्टेप तक के क्लियर हुआ होगा चीजें। इसके आगे का जो स्टेप है, जो दो तीन चीजें इसमें बढ़ गई है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर है जितना मैंने बताया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? मैम फोर्थ वाला स्टेप को एक बार फिर बताएंगे क्या? क्या चीज?